तो दोस्तों ये रही लौकी, खींच लिया हमने, लेकिन हुआ क्या कि हम इसको पकड़ नहीं पाए, हमको इसकी डाल को खींचना पड़ा तो हमारी लौकी गिर गई नीचे, और गिरी है तो फटी भी होगी जाहिर सी। हाँ ये देखिए, बट कोई बात नहीं, लौकी तो मिल गई ना टाइम से। दोस्तों ये खूब बड़ी बड़ी होती है, बहुत छोटी है अभी ये, लेकिन बारिश का टाइम है, मैंने कहा तोड़ लेते हैं, ख़राब ना हो, बाद में जब फलेंगी तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, करीब 10-10 केजी की लौकियाँ ये वाली, और ये भी 5-7 केजी की होती है, और ये तो बहुत ही बड़ी होती है, मोटी सी बड़ी सी। तो ये देखिए आज की हमारी सब्जी। अभी और तोड़ूंगी, लेकिन अभी इतना बता दूं आपको, ये सारा कुछ अभी भाजियां हमने नहीं तोड़ी है, इतना कुछ हमने अभी तोड़ा। ये देखिए, ये आज का हमारे है हार्वेस्टिंग, हमारे ऑर्गेनिक गार्डन का। काहे जाएं बाजार बताइए, तो का लेने जाएंगे। इतनी ताज़ी, इतनी हरी, इतनी पौष्टिक सब्जियां अगर हमें घर में मिल रही हैं तो हमें क्या ज़रूरत है बाजार जाने की, है कि। दोस्तों नमस्कार, मैं उर्मिला शर्मा, रायपुर छत्तीसगढ़ से, उर्मिला गार्डन चैनल से आप सभी मित्रों का हृदय से स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों बार बार मैं कहती हूँ कि आइए चले ऑर्गेनिक की ओर, ऑर्गेनिक खाएं, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और ढेर सारी सब्जियाँ अपने घर के आगे पीछे छत ऊपर नीचे जहाँ कहीं जगह मिले लगा डालिए। अभी अभी टाइम है, बहुत अच्छा टाइम है बारिश का। बारिश के पानी में ढेर सारे पोषक तत्व होते हैं जो आपके पौधों के ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो आइए चलते हैं, उगाते हैं ढेर सारी सब्जियां, करते हैं हार्वेस्टिंग और करते हैं गार्डन टूर। तो आइए चलते हैं दोस्तों। राम राम, कैसे हैं आप सब। बारिश ने हाल बेहाल कर दिया है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, तो हमने कहा कि थोड़ी सी हम वेजिटेबल तोड़ लें, जो कि तोड़ नहीं पा रहे हैं। अभी निकला हुआ है, अभी पानी नहीं गिर रहा है, ऐसे मौसम तो बना हुआ है देखिए ना, लेकिन अभी रुकी हुई है बारिश। तो हमने कहा थोड़ी भिंडी तोड़ लेते हैं, क्योंकि भिंडी फिर कड़ी हो जाएगी, मतलब एक टाइम पर भिंडी को तोड़ लेना चाहिए, ज़्यादा रखने से वो कड़ी हो जाती है। तो जो भी फली है, ये देखिए ऐसे फल रही है, अभी शुरुआत ही है, तो इस तरह से हम तोड़ लें भिंडी। दोस्तों भिंडी को भी खुला मौसम पसंद है, धूप पसंद है, मतलब कि ठंड, और ठंड तो पसंद नहीं है, लेकिन भिंडी को धूप अच्छी पसंद है, क्योंकि आप देखना गर्मी में बहुत अच्छी भिंडी होती है, बारिश में भी अच्छी होती है। और भिंडी का ऐसा है कि इसमें पानी नहीं रुकना चाहिए, इसके जो जहाँ भी आप उगाएं पानी नहीं रुकना चाहिए, तो पानी तो नहीं रुक रहा, लेकिन लगातार की बारिश ने इसकी हालत ख़राब कर दी। तो ये भिंडी तोड़ने की हमारी, मतलब इसका फर्स्ट हार्वेस्टिंग है इस भिंडी का, जो अभी हमने लगाया गर्मियों में। तो फ्रूटिंग तो शुरू हुई, जैसे ही फ्रूटिंग शुरू हुई वैसे ही क्या बोलते हैं कि बारिश जो है सांस नहीं ले रही है, फूल खूब आ रहे हैं, फल भी आ रहे हैं देखिए। और बस मौसम जहाँ खुला तो इतना फलेगा कि खाते खाते थक जाएंगे, तो बस मौसम खुलने का इंतज़ार है, जो भी अभी मिल जाए प्रसाद स्वरूप ग्रहण करिए, है ना। देसी गुलाब देखिए कितना बढ़िया, दोस्तों गुलाब के नाते हमारे पास इकलौता गुलाब है ये। बाकी तो पौधे छत के जो ये पौधे हैं ना, ये तो फिर भी ठीक है, बाकी जो नीचे पौधे मैं कलम से तैयार कर रही थी उनकी स्थिति थोड़ी सी ठीक नहीं है। इसको देखिए हमने कट कर दिया था, तो बहुत अच्छा हो रहा है दोस्तों, पौधों की कुछ देखभाल ही नहीं कर पा रहे हैं, पूरा देखभाल बारिश ही कर रहा है देखिए, और फर्श भी साफ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि फर्श में लगातार बारिश के कारण काई जैसे हो गया है, और ये फिसलन कर रहा है, तो इसमें गिरने का भी खतरा है। तो दोस्तों हमारी लाल भाजी भी देखिए कैसी हो गई है बारिश बारिश से, तभी तो हम इसको नहीं तोड़ेंगे, आज हमने भिंडी बस तोड़ लिया है जो भी मिल गया, तो
थोड़ी छत में जाएंगे, थोड़ा मोड़ा वहाँ से सब्जी लेंगे बस। अभी सब्जियाँ हमने एक दिन जो तोड़ी थी ना, अभी हमारे पास लौकियाँ बची हुई हैं, लौकी बैंगन ये बचा हुआ है, तो उन्हीं को हम खा रहे हैं जो भी बचा हुआ है। दोस्तों बारिश बारिश से पौधे हमारे बहुत ज़्यादा मतलब ख़राब स्थिति में हो गए हैं, तो आज मैं थोड़ी थोड़ी सी इनमें खाद डालूंगी। इनके फूल कम हो गए हैं, पर चुलाका में अच्छा फूल लेने के लिए इनमें ये खाद डालनी ज़रूरी है। तो दोस्तों ये खाद का मिक्सचर जो है मैं बनाकर रखती हूँ, और एकदम थोड़ा थोड़ा सा ही डालूंगी। इसमें है DAP, यूरिया, पोटास और साथ में थोड़ा सा NPK 1919। तो ये सारी चीज़ों को एक, फिर आप बोलेंगे भूल जा मतलब नहीं बताया मैंने, जैसे 1 kg DAP, 1 kg यूरिया, और उसमें मैं करीब 100 ग्राम पोटास और 100 ग्राम NPK, ये सारी चीज़ों को मिक्स करके एक साथ मैं रख लेती हूँ। और जब मुझे ज़रूरत होता है, मुझे लगता है कि मेरे पौधों में इनकी ज़रूरत है, उस टाइम पे इनको मैं डालती हूँ। तो ये लगातार बारिश के कारण पौधों की जो मिट्टी है ना, उसके पोषक तत्व तो खत्म हो गए हैं। इनमें भी जो पौधे फूल वाले होते हैं ना, उनमें पोटास बहुत ज़रूरी होती है, और ग्रोथ के लिए डीएपी तो पौधे को मजबूत भी करती है और ग्रोथ भी अच्छी होती है, और यूरिया से हमारे पौधे बहुत हरे भरे रहते हैं और अच्छी ग्रोथ होती है, और NPK तत्काल चाहे उसको आप घोल के डालिए और चाहे थोड़े थोड़े से आप पौधों में डाल दीजिए। तो आज मैं सारे पौधों में दो दो दाना यानी करीब लगभग 2-2 ग्राम सारे पौधों में मैं डालूंगी। हर पौधे मीन्स फूल वाले, मतलब बाकी तो मैं ऑर्गेनिक करती हूँ आपको पता है, तो फूल वाले पौधों में बस थोड़े थोड़े से डालूंगी हर पौधे में, जो भी हमारा चाहे ये परचुलाका हो और चाहे बोगनवेलिया। अडेनियम में नहीं डालूंगी दोस्तों, क्योंकि अडेनियम की देखभाल अभी मेरी जरूरी उसके लिए काम पड़ा है, उसका मेरे को जरूरी काम करना है। उसको सबसे पहले खुली जगह में रखना, धूप वाली जगह में रखना, हालांकि धूप अभी हो नहीं रही है, लेकिन मैं ऐसी जगह पर रखूंगी जहाँ उसमें बराबर धूप आए, क्योंकि जहाँ पर मैंने उसको रखा हुआ है वो मेरी बेल वर्गीय सब्जियाँ जो है उसमें छाया कर दी हैं, तो जिसके कारण उसकी ग्रोथ जो है रुक रही है, और कहीं ऐसा ना हो कि मर जाए मेरे अडेनियम, इसलिए उनको मैं अच्छी जगह पे रखूंगी। तो दोस्तों मैं अपने परचुलाका में डालूंगी अभी, क्योंकि बारिश के कारण इसके पोषक तत्व तो बह गए हैं, तो जिसके कारण इसकी फ्लावरिंग थोड़ी सी कम हुई है, और दोस्तों धूप भी तो नहीं हो रही है ना, इस कारण भी इसकी फ्लावरिंग थोड़ी कम हुई है। ये एक जोरा है दोस्तों, इसकी कटाई छटाई कर दी थी, खूब खिला था, खिलने के बाद इसको मैंने कटाई छटाई करी है। दोस्तों बारिश में पौधों की देखभाल यही है कि आप थोड़ी थोड़ी इनमें खाद डालते रहें, जो मिक्स मैंने बताया, और साथ में इनकी प्रूनिंग करते रहें। दोस्तों प्रूनिंग बहुत ज़रूरी है इनकी, तभी हमारे पौधों की सही ग्रोथ हो पाएगी। मेरे पौधे ऐसे रखे हुए हैं दोस्तों कि मेरे को ये कंटेनर मिलते भी नहीं हैं। दोस्तों एकदम थोड़ी थोड़ी खाद डालनी है, ज़्यादा नहीं डालनी है, वैसे इनको कोड़ना चाहिए खाद डाल के, लेकिन अभी मैं ऐसी छोड़ दे रही हूँ, ये बहुत गीले हैं अभी, बाद में मैं इनको कोड़ूंगी। अभी मेरी जो खाद है ना, इस मिट्टी में मिक्स हो जाए, बाद में इनकी मैं कोड़ाई करूँगी। तो थोड़ी थोड़ी खाद मुझे हर पौधे में डालनी है दोस्तों, मैं खाद भी डाल रही हूँ और हमारे यहाँ इसकी सफाई भी चल रही है। बहुत ज़्यादा खाद नहीं डालनी है, लेकिन बारिश के कारण, हालांकि बारिश में बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं बारिश के पानी में, लेकिन मिट्टी में भी पोषक तत्व तो दोस्तों होने चाहिए, तभी हमारे पौधों की अच्छी ग्रोथ हो पाएगी। तो अभी तो मैं इसमें खाद को मिक्स कर दे रही हूँ, बाद में फिर गमलों की कोड़ाई करूँगी, मौसम थोड़ा खुला रहेगा तो, चूँकि अभी मौसम खुला नहीं है आप जान रहे हैं, तो आज अभी पानी रुका हुआ है, तो मैं थोड़ी सी अपने गमलों में खाद डाल दूं। इस टाइम पे पौधों से ग्रोथ लेनी ज़रूरी है, क्योंकि बारिश में बहुत अच्छी पौधों की ग्रोथ होती है। दोस्तों ये जो खाद है ना, इसको आप तुरंत भी बना सकते हैं,
और बना कर रख भी सकते हैं, लेकिन एयर टाइट डब्बे में, क्योंकि ये घुलनशील होती है। बाहर का जरा सा भी इसमें वातावरण का अगर वो असर हुआ तो ये फिर गीली हो जाती है। मेरी खाद जो है ना थोड़ी, अब पता नहीं कैसे उसका प्लास्टिक खुला और प्लास्टिक में रैप था लेकिन खुल गया, जिसके कारण से ये हल्की सी गीली हो गई है। कोई बात नहीं, मैं डाल दे रही हूँ सारे गमलों में थोड़ी थोड़ी, कोई भी पौधा आपका वंचित ना रहे। ये घुल जाएगी इसी में, थोड़ी थोड़ी आप डाल दीजिए। थोड़ा गीली हो गई है इसीलिए मैं चाह रही हूँ कि ये ख़त्म हो जाए, लेकिन डालना उतना ही है जितना आपके पौधों को ज़रूरत है। देखिए ना, ये भिंडी इतनी ज़्यादा बड़ी हो गई है, लेंदी लेंदी, कि मैं अपने उन पौधों को पाती नहीं हूँ। हाँ, एक एक बच गया बस। तो ये देखिए, लगभग हमारे पौधों में, लगभग नहीं, सब में पड़ गया है। देखिए, अब ये मिट्टी में जब घुल जाएगा ना, तब मैं इसको फिर बाद में कोड़ूंगी, अभी नहीं कोड़ूंगी। थोड़ा सा इसमें और डाल देती हूँ। तो दोस्तों, कौन सा वाला? हाँ, लाऊंगी। तो दोस्तों, अगर इस तरह से पौधों की आप देखभाल करते हैं ना, तो बहुत जल्दी आपके पौधे इस तरह से मैच्योर दिखने लगेंगे। आपको 10 साल इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। कई बार मैं देखती हूँ, लोग बोलते हैं मेरा ये 5 साल 6 साल का पौधा है, तो मुझे आश्चर्य होता है कि 5-6 साल तक वो पौधा इतना कमज़ोर कैसे दिख रहा है। तो थोड़ी सी देखभाल इस तरह से करनी ज़रूरी है। इस तरह की खाद आप महीने में एक बार डालिए। बारिश में क्या है ना, अभी कंटिन्यू 15 दिन से पानी हमारे यहाँ गिर रहा है, जिसके कारण मिट्टी के पोषक तत्व जो हैं वो सारे बह गए, मिट्टी में कुछ बचा ही नहीं। तो इसलिए थोड़ी थोड़ी खाद ज़रूरी है दोस्तों। तो इस तरह से अगर आपके यहाँ भी मौसम खुला हो तो 4-4 दाना यानी आधा आधा चम्मच खाद आप अपने पौधों में डाल दीजिए। फिर आप देखिएगा इनके फूल कुछ दिन बाद। अभी तो मैं इनसे फूल लेना ही नहीं चाह रही हूँ। अगर एक आध खिलता भी है तो मैं तोड़ देती हूँ या कट कर देती हूँ। जैसे इधर खिला हुआ है, मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए, इसको भी मैंने कट कर दिया। बहुत ही सुंदर ये वाला पौधा हमारा खिला पूरे सीजन, लेकिन बारिश में इसको मैं कट कर दे रही हूँ। बट ये खिल रहा है ऐसा नहीं है, लेकिन मैं इससे फूल नहीं ले रही हूँ। आप देखेंगे ध्यान से ना, तो मैंने कट कर दिया है। मुझे अभी इससे फूल नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए बारिश के बाद। इसलिए बारिश के बाद के फूल लेने की तैयारी आपको अभी से करनी होगी। इस तरह से इनको पिंच करते जाना होगा, तभी ये बहुत अच्छे घने और इनके जो ये तने हैं बहुत जल्दी मोटे बनेंगे और ढेर सारे फूल मिलेंगे। तो इस तरह से इनकी हमको देखभाल करनी है। मेरे पास तो दोस्तों बहुत पौधे हैं, सारे पौधों की देखभाल करना मतलब मेरे लिए मेहनत भरा काम होता है, क्योंकि मैंने माली भी नहीं रखा है, तो इसलिए मुझे खुद ही करनी पड़ता है। पर कोई बात नहीं, देखिए अब जैसे इतना लंबा हो गया, इसकी ज़रूरत नहीं है इतने लंबे, यहाँ से आप कट करिए इसको। आप इस टाइम पे पौधों को एक डिज़ाइन दे सकते हैं, एक शेप में ढाल सकते हैं, क्योंकि इस टाइम पे ग्रोथ बहुत होती है। देखिए, इसको यहाँ से कट करिए ऐसे, कुछ नहीं तो आप पिंच कर दीजिए बस। तो वो एक छतरी नुमा एकदम झोपड़ी जैसे बनेगा, बहुत सुंदर। इस तरह से आप इनको कट करिए। मेरे पास पौधे ज़्यादा हैं, गमले कम हैं, तो एक एक गमलों में मैं 3-3, 4-4, 5-5 पौधे ठूस कर रखी हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, फिर बाद में हम इनको, अभी इनसे हम ग्रोथ ले रहे हैं, थोड़े से मैच्योर हो जाए, बड़े हो जाए, फिर इनको देखेंगे हम क्या करेंगे। अलग भी कर सकते हैं और एक साथ भी रह सकते हैं, क्योंकि एक साथ अगर आप इस तरह से 3 कलर के पौधे लगाते हैं तो बिना ग्राफ्ट के ही आपको 3 कलर के फूल मिलेंगे एक गमले से, वो बहुत खूबसूरत दिखते हैं। तो इस तरह से भी आप बिना ग्राफ्टिंग के भी मल्टी कलर फूल ले सकते हैं एक गमले से। और ये बहुत अच्छा तरीका है दोस्तों, आपको बता दें, क्योंकि ग्राफ्टिंग वाला थोड़ा सा टाइम लेता है, अगर आप इस तरह से करते हैं तो बिना ग्राफ्टिंग का ही आपको खूबसूरत फूल मिलेंगे एक गमले से।
हमारी कलम देखिए कितनी बढ़िया, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, हर कलम चल रही है देखिए कितनी सुंदर। जबकि इतनी बारिश हुई है, अभी फंगस का भी डर है दोस्तों। अगर लगे कि आपके पौधों में यहाँ से जड़ों में, क्योंकि इसमें भी बोगनवेलिया भी बहुत जल्दी सड़ता है और फंगस लगते हैं, बड़ा विचित्र पौधा है ये, चल गया तो फिर समझिए कि बरसों बरस, और नहीं चला तो फूल सूल सब होकर भी ये सूख सकता है। आपके में बढ़िया पत्ती भी निकल जाएगी, फूल भी हो जाएगा और फिर सूख भी जाएगा, तो ये कभी भी कुछ कर सकता है रिएक्ट, इसलिए इसका ध्यान रखना पड़ता है। देखिए ये भी कलम है, इसमें भी ये देखिए अंकुरण होना शुरू हो गया। एक छोटा सा मैंने डाल दिया था, बहुत यूनिक है ये, इसलिए इसकी छोटी कटिंग भी मैंने वेस्ट नहीं करी और डाल दिया, तो देखिए उसमें भी ये निकलना शुरू हो गया। और ये भी, ये तीनों एक ही कलर हैं, जब खिलेंगे तो मैं आपको बताऊंगी, बहुत ही यूनिक कलर है। तो इस तरह से आप ढेर सारी कलम उगा सकते हैं। परचुलाका का दोस्तों अभी इस टाइम पे बारिश परचुलाका को उतनी पसंद नहीं है, बहुत ज़्यादा बारिश में हालांकि खिलता है, लेकिन ना बहुत ज़्यादा बारिश नहीं चाहिए, धूप भी चाहिए। बारिश तो हर पौधे को चाहिए लेकिन धूप भी चाहिए, धूप हो नहीं रही है जिसके कारण ये ऐसा दिख रहा है। इतना खिल रहा था, गुलदस्ता बन जा रहा था, हालांकि अभी इसका खिलने का टाइम भी नहीं हुआ है, ये 9 बजे के बाद खिलता है, तो अभी 9 बजा नहीं है। अब हम पहुंच गए अपनी दूसरी छत पर, जहां से हम लेंगे कुछ वेजिटेबल। रखने की जगह तो है नहीं जैसा कि आप जानते हैं, तो दोस्तों मिर्चियां तो रोज़ ही लगती हैं, तो ऐसे कुछ ज़्यादा तोड़ लेती हूँ, फिर ऐसे रोज़ नहीं तोड़ती मिर्चियां, हाँ कभी कभी तोड़ लेते हैं जितनी ज़रूरत है। अब अपना टुकनी लेके घूमते हैं, आइए। तो दोस्तों अभी हम उधर नीचे छत में साफ़ सफाई कराए, अब इसमें भी हम कराएंगे साफ़ सफाई, लेकिन आज नहीं। थोड़ा सा मौसम अभी हल्की सी धूप सी लग रही है, अभी मौसम इतना बेकार हो गया है कि जिसके कारण पौधे बेचारे हमारे इस स्थिति में पहुंच गए। खासकर अडेनियम को तो धूप चाहिए ही चाहिए, तो एक दो दिन के अंदर अडेनियम को हम एक और छत है हमारी वहाँ पर रखेंगे, नहीं तो ये सड़ जाएगा, फंगस लग जाएगा, खराब हो जाएगा। तो खराब हो उसके पहले इनको बचा लो, ये पहले हर देखिए इंसान हो या पौधा बोलता है कि हमको अभी बचा लो, अगर किसी तकलीफ में रहता है तो बचा लिए तो ठीक है, नहीं बचाए तो फिर हो गया। देखिए ये हमारी अपराजिता का क्या हाल हो गया है, बहुत ज़्यादा इसकी टोपियारी ना बहुत ज़्यादा फैल गई है, इसको प्रूनिंग की ज़रूरत है और सही सेब की ज़रूरत है। तो इसके पहले इधर नीचे साफ सफाई होगा तो मैं बुलाऊंगी रोहित को एक आध दिन बाद, क्योंकि ये मौसम थोड़ा खुलेगा तभी तो आप काम कर पाएंगे ना, नहीं तो काम कहाँ से कर पाएंगे। मैं इतने धीरे चल रही हूँ ना कि कहीं भ्रम भ्रम भ्राम न हो जाऊँ। तो दोस्तों कुछ सब्जियाँ लेना है जिसकी वजह से मैं आई हूँ, अभी इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है ना कि आने में भी डर लगता है कि फिसल ना जाएं दोस्तों कहीं। ये देखिए मतलब डाल टूटने को तैयार है लेकिन फल टूटने को तैयार नहीं है। एक यहाँ पर मैंने देखा था, वो नहीं दिख रहा, किधर गया? एक देखा था मैंने यहाँ पर दोस्तों, ज़्यादा वजन होने से ना नीचे आ जाते हैं, पता नहीं मेरे को तो दिख नहीं रहा, कहाँ जाएगा भाई। और एक ये है, कितना सुंदर है ना, देखिए अगर मेरे पास ऑप्शन होता ना तो मैं इसको बीज के लिए छोड़ देती, लेकिन दोस्तों मैं बीज के लिए नहीं छोड़ सकती, बहुत बढ़िया है। और कलर कितना सुंदर है इसका, तो इसको मैं तोड़ूंगी। ये टूट गया, ये ना बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं और ये सब हमारे मतलब गाँव के बीज हैं, मैं यहाँ से कुछ भी नहीं लेती आपको बता दूँ। ये देखिए कितना बढ़िया ना, तो वो है ठीक 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 दिख गया। तो दोस्तों वो नहीं मिलेगा मेरे को, शायद ही मिलेगा क्योंकि ऐसे हाथ मेरा उतना जाएगा नहीं। तो अभी मेरी सब्जियां जो है फ्रूटिंग करना शुरू कर दी हैं, लेकिन मेरे अडेनियम जो है बिल्कुल इनमें धूप नहीं लग रही है, जिसके कारण ये थोड़े से तकलीफ में है। और अगर मान लीजिए इनको सही टाइम पर हमने इनको सही जगह नहीं दी तो इनके फूल जो है रुक जाएंगे, फूल तो खिलेगा ही नहीं, इनके मरने के भी चांसेस हो जाते हैं। तो बहुत जल्दी इनको मैं अच्छी जगह पे रखूंगी जहाँ हवा और धूप लगे। मान लीजिए अभी इस मौसम में ज़्यादा धूप ना भी लगे तो हवा तो अच्छी लगे, बेचारे लोग हर चीज़ से वंचित हैं। देखिए हमारे ये नेनुआ जो है ये फलना शुरू कर दिए दोस्तों। बहुत सारे लोगों को गांव में
शहरों के भी होंगे, उनको नेनुआ पसंद नहीं है, बट मुझे तो बहुत पसंद है। इसकी हल्की सी जो मिठास है ना, बहुत अच्छी लगती है, तो हमें पसंद है और हम खाते भी हैं और हम उगाते भी हैं। तो दोस्तों मैं ट्राई करूंगी कि वो कोना वाला भी मिल जाए। तो ये तीन नेनुआ पर्याप्त है हमारे लिए सब्जी के लिए, क्योंकि ये अच्छे हैं, हेल्दी हैं। तो देखती हूँ उसको, मैं कोशिश करती हूँ शायद मिल जाए। मिल तो गया लेकिन टूट टाट गया, कोई बात नहीं, हमारे लिए इतना ही पर्याप्त है, बहुत है। और वाइट वाली अपराजिता हमारी कितनी खिल रही है दोस्तों, लेकिन वो दूसरे तरफ दिख रही है खिली हुई, उसको बहुत जल्दी मैं सेप में दूंगी। अभी मैं आपको क्या दिखाऊं, यही दिखा सकती हूँ कि थोड़ा पौधों का ख्याल रखिए, इनको कोशिश करिए कि खुली जगह में रहें। पौधे जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे फिर इनमें छाया आती जाती है दोस्तों, क्या करें। अब ये देखिए, अब ये इसको वो जो वहां जा रहा चढ़ के फलने के लिए, ये लोहा ही है ना, नहीं प्लास्टिक की पाइप है शायद वो, और नीचे लोहा लगा हुआ है। तो ये ऊपर जा रहा फलने के लिए, तो ऊपर तोड़ूंगी कैसे मैं, हर कहीं जा रहा होगा। मैं आपको दिखा रही कैसे फैल रहा हमारा ये देखिए, दिख रहा, मुझे तो नहीं दिखता क्योंकि ये ऊपर है ना, मैं इसके नीचे रहूंगी ना इसके, और ये ऊपर है तो ऊपर से मुझे दिखता नहीं है। दोस्तों भाजियां भी बहुत अच्छी अच्छी तोड़ने के लिए हैं, लेकिन मैं अभी नहीं तोड़ूंगी, बस अभी जितना ले लिया उतना ही पर्याप्त है। पोई को तो देखे आसे हुए जा रहा है, इतना भारी हो रहा है पोई। और ये है सेम, देखिए इसका ये रेड कलर का है ना इसका जो ब्रांच है, और इधर जो है ये ग्रीन वाली है। तो ये ना चौड़ी 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 होती है वो वाली है, थोड़ी मिठास रहती है इसमें। और ये इधर भी है, कहाँ गई ऐसे पौधे फैल रहे हैं ना कि एक दूसरे को दबा दे रहे हैं दोस्तों, क्या बताएं आपको। ये है हमारी मिर्चियाँ जो अच्छी चल रही हैं, थोड़ा पानी रुके तो ये फलने शुरू हो जाए झमझमा के, लेकिन बारिश के कारण ये थोड़ा सा, बहुत ज्यादा बारिश है ना दोस्तों, इतना ठीक नहीं है। इसमें कई तरह की मिर्चियां हैं, ये देखिए गोल भी है, मैं आपको गोल दिखा रही हूँ, ये देखिए ये गोल भी है और इस तरह से भी है। ऐसे तोड़ लेते हैं हम लोग, ये देखिए जब हमको जरूरत होती है ना तो हम तोड़ लेते हैं। जैसा कि हमने बताया कि हम सब्जियां खरीदते नहीं हैं, तो हमको जब जरूरत होती है तो फिर हम मार्केट तो जाते नहीं, तो हमारा मार्केट तो यही है सुपरमार्केट। इसमें कल पानी भर गया था, इसको हमने निकाला, देखिए इस तरह से रास्ता इसका क्लीन किया। इधर भी है लेकिन इधर ये कुंदरू ना बीच बीच में इसको दबा देता है मिर्ची को हमारे, फिर मैं इसको ठीक करती हूँ। थोड़ी तोड़ लेती हूँ मिर्चियाँ, ये देखिए ये कितनी पकी है, यहाँ तोड़ नहीं पाए तो यहाँ पक गई हैं, ये देखिए। लेकिन ये भी काम आ जाती है दोस्तों। ओहो गिर गया, अब मैं उस साइड से घुसती हूँ फिर मैं तोड़ूंगी इनको। अपराजिता हमारी खूब खिली हुई है, इस तरह से इनके मिर्ची गिरा दी क्या मैं, हाथ में मिर्ची भी पकड़ी हूँ, इस तरह से इनकी फलियों को हमको हटा देना है तो फिर ये बहुत सारे फूल खिलेंगे। ये देखिए कितना, मतलब जितना फूल उतनी फलियाँ, बहुत ज़्यादा फूल खिलता है दोस्तों इनमें, इसीलिए फलियाँ भी खूब सारी तैयार होती हैं। तो हमको ध्यान देना होगा, फलियों को हटाना होगा। ये हमारी रेन लिली, इसके सीड्स हैं रेन लिली के, वैसे ये इसके बल्ब होते हैं नीचे, उनसे भी ये तैयार होती है। अडेनियम देखिए सुंदर, और ये हमारे टमाए तेरे कितने सुंदर, बस बारिश रुक जाए थोड़ी सी। देखिए वो नाला, अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो नदी बना हुआ है, देखिए आप दिख रहा होगा दोस्तों। हमारी भाजियां भी बहुत अच्छी हैं, तैयार हैं तोड़ने के लिए। इधर करमता है, बेहद टेस्टी और बेहद अच्छी होती है सेहत के लिए। देखिए अभी तोड़ा था 2-3 दिन पहले, फिर से तोड़ने के लिए तैयार हो गई है। तो इसके लिए दोस्तों थोड़ा टाइम लगेगा मुझे, तो शायद मैं अभी नहीं तोड़ पाऊंगी। और ये अरबी के पत्ते, जिसकी सब्जी बेहद अच्छी लगती है, आप लोगों ने खाया होगा, इसको वैसे भी सब्जी खा सकते हैं आप, और वैसे भी मतलब इसको ना दालों के साथ लपेट कर भी बनाया जाता है।
तो अब इसके अंदर हम घुसेंगे, देखिए कैसे घुसते हैं। नहीं, पहले मैं मिर्ची रख दूँ हाथ में, क्योंकि मेरे मुट्ठी में मिर्ची है और मेरी टोकनी किधर है, ये हमारी टोकनी। दोस्तों देख रहे हैं मेरी मीठी नीम की पत्ती कितनी बड़ी बड़ी हो गई है, मतलब ये जो करी पत्ता है कितना बड़ा बड़ा हो गया है। तो इतने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, इसके जब भी पत्तों को तोड़े तो ऐसे नहीं खींचना है, इनके पूरे स्टेम को ऐसे इस तरह से ले लीजिए, ऐसे खींचना है इस तरह से। ये देखिए, आज मैं कढ़ी सोच रही हूँ बना लूँ, दाल तो बनेगी लेकिन कढ़ी मेरे को बहुत पसंद है, तो कढ़ी बनाऊंगी मैं सूखे जिमीकंद के, बेहद टेस्टी, बहुत अच्छी लगती है सूखे जिमीकंद। जब गर्मी रहती है ना, जब जिमीकंद मेरे यहाँ बहुत सारा था तो उस टाइम पे मैंने उसको सुखा लिया था, आप लोगों को बताया था नहीं बताया था मुझे याद तो नहीं है, लेकिन जिमीकंद सुखा कर अगर आप रख लेना तो वही टेस्ट आपको मिलेगा जो मतलब कि ताजे का मिलेगा। ये मिर्ची हमारी गिरी थी तो इसको भी हम लेंगे, और थोड़ी सी और मिर्ची लेंगे जो ये पक गई हैं, क्योंकि दोस्तों मिर्ची की ज़रूरत पड़ती है रोज़ घर में। ये देखिए ऐसे, तो बहुत सारी तोड़ ली हमने, गिरना मत, बहुत फिसलन है। कल बुलाऊंगी रोहित को, कल नहीं तो परसों, अगर आज धूप कर दिया ना। देखिए इसमें भी हमको लगाना है बैगन, इसको हटा के मिट्टी को फिर से खाद वाद करके, कि क्योंकि ये सूख गया है, ख़राब हो गया है, तो फिर से, क्योंकि मेरे पास पौधे तैयार रखे हैं। इधर भी मिर्चियाँ हमारी फलना शुरू हो गई, और दोस्तों इनको हमने, इन जो भी पौधे होते हैं ना, चाहे बैगन, ये बैगन देखिए इसको भी हमने तैयार किया, मिर्ची के पौधे भी हमने ही तैयार करे। इधर देखिए ये बारिश के कारण इतनी मिर्चियाँ फली हुई हैं, लेकिन ना ये एक तो ये छाया कर रहा है और लगातार बारिश के कारण इसकी पत्तियाँ जो हैं झड़ गई हैं। बाकी मिर्चियाँ गुच्छों में फली थी दोस्तों, लेकिन ये पानी जो है ना बहुत ज़्यादा पौधों को नुकसान कर रहा है। बच गए हमारे अडेनियम, क्योंकि अडेनियम की मिट्टी हमने ऐसी तैयार करी थी कि ये सड़ने से बच गए हैं। ऊपर सिर्फ रेत है, तो रेत में जो है फंगस नहीं लगती है। दोस्तों आइए मैं दिखाती हूँ अपराजिता के फूल, ये देखिए, आपको सिर्फ फूल दिखेंगे, वाह गजब भाई, सिर्फ फूल फूल, इतनी सुंदर खिली है। और इधर भी है ना एक, मैं आपको दिखा रही, ये सब ना उलझ गई है, क्योंकि ये बेल वाली वो है ना, इसकी बेल होती है, अभी तो इधर आएगी ही नहीं, नहीं तो मैं आपको फूल दिखाती इनके, कितने फूल खिले हैं। और देखिए मेरे इसमें फंस गया, ये है वाइट वाला, इसकी मैं कटिंग छटिंग करके इसको एक शेप में लाऊंगी, जिस शेप में ये था, क्योंकि ये बिखर सा गया है, इतना ज़्यादा इसकी ग्रोथ हुई और हम सही उसको कर नहीं पाए क्योंकि बारिश लगातार हुई, जिसके कारण ये ऐसा हो गया है। इनकी भी प्रूनिंग करूंगी, इनको फिर कहीं पर चुलाका को मैं दूसरी जगह लगा दूंगी, इनकी इनको प्रून करके, ताकि हमारे कृष्ण भगवान दिखने लगें। इनके एनिमल्स भी ऐसे छुप छुप गए हैं, देखिए गैया और ये सारे कुछ, तो इनको सबको ठीक करना पड़ेगा। और ये देखिए हमारे सब जेट प्लांट जो है दोस्तों, दो दो ढाई ढाई में दो दो महीने के जेट प्लांट है, इतना ज़्यादा इनका ग्रोथ होता है। फिर इनको आप ऐसे छोटे से कलम से लगाइए, और इसके बाद फिर जिस शेप में इनको ढालना चाहें आप बहुत आसानी से ढाल सकते हैं। मैं आपको अपना बोनसाई दिखाती हूँ, मतलब मैं कितने सारे तैयार कर रही हूँ, जैसे एक तैयार कर रही हूँ, ये भी बोनसाई तैयार कर रही हूँ, उधर पीछे है उसको तैयार कर रही हूँ, ये देखिए ये सब मेरे, मतलब ये शुरुआती उसमें है। अगर आप बोनसाई के शौकीन हैं या बोनसाई बनाना नहीं आता है तो बहुत सही है आपके लिए ये जेट प्लांट। जेट प्लांट को आप जिस आकार में ढालना चाहेंगे उस आकार में बहुत अच्छे से ये ढल जाते हैं, इनकी टोपियारी भी बहुत अच्छी बनती है और इनके बोनसाई भी बहुत अच्छे मिलते हैं, बनते हैं। और दोस्तों मार्केट में इनकी वैल्यू आप देख लेना बोनसाई की कितनी ज़्यादा है, ये देखिए कितना खूबसूरत बना है दोस्तों, ये पूरा गुलदस्ता बना हुआ है और कलर कितने सुंदर हैं इसके, आप देखिए अपने आप गुलदस्ते का शेप लिया हुआ है ये। और दोस्तों ये है मेरा अरेबिकम, पीछे कहीं छुपा हुआ था, एकदम से इसमें पत्तियां इसकी सूख गई थी और अजीब सा हो गया था, तो इसको मैंने थोड़ा सा खुली जगह में रखा उठाकर, क्योंकि इतने ज़्यादा पौधे हैं ना कि एक दूसरे में ये सटे जा रहे हैं, और इस तरह से इनकी पत्तियां गलना शुरू हो गई हैं बारिश के कारण। ये भी मेरा एक अरेबिकम है दोस्तों, अरेबिकम मेरे पास ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो भी है जब इसमें फूल खिलेगा
और आएंगे इसमें सीड पॉट आएंगे तो मैं फिर ढेर सारा बना लूंगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं खुद ही तैयार कर लेती हूँ बीजों से, जो हमारे यहाँ ये है ना, इनके बीजों से ही मैं तैयार कर लेती हूँ। देखिए धूप ना लगने के कारण क्या स्थिति हुई है पौधों की। दोस्तों कल नहीं तो परसों मेरे सारे पौधे बहुत अच्छी जगह पे चले जाएंगे। मैं बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ये स्टैंड जो है हमने ऊपर ही बनवाया था, लेकिन अब स्टैंड को भी हमको नीचे लेकर जाना पड़ेगा। तो इतना लोहा एक साथ उठाना कैसे होगा राम जाने, लेकिन कोशिश तो करेंगे हम। देखिए किस तरह से ये धूप न लगने के कारण ये पौधे जो है हमारे इस तरह से। तो दोस्तों सिर्फ हम ले जाएंगे जेट प्लांट और अडेनियम और कुछ बोगनवेलिया, बाकी हमारी वेजिटेबल और जो भी है सब यहीं रहेगा, इनको नहीं लेके जाएंगे। ग्रोथ तो बहुत अच्छी होती है दोस्तों बारिश में। ये देखिए ये किस किस का है, ऐसे लगता है कि देखिए ये सांप के डिजाइन का बना हुआ है, लेकिन किसी में धूप ही नहीं लग रही है, बस ये हरे हरे दिख रहे हैं। फूल चाहिए तो धूप चाहिए, अडेनियम को धूप बहुत चाहिए दोस्तों, और पानी नहीं रुकना चाहिए। और ये हमारी खाद बन रही है दोस्तों, देखिए ऊपर से हमने मिट्टी डाल दिया है, क्योंकि मिट्टी अगर नहीं डालेंगे तो फिर गंदगी ऊपर आएगी। अगर आप मिट्टी से ढक देंगे तो आपके पौधों को भी ये नुकसान नहीं करेगा, कहीं भी आप इस खाद को बना सकते हैं। जो कहते हैं कि मेरे उसमें कीड़े हो जाते हैं, तो दोस्तों कीड़े नहीं होते हैं अगर आप इस तरीके से बनाते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब मैं उठा लूँ अपनी सब्जी, किधर है ये है, ये है हमारी सब्जियां। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट्स और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि आपको ये अच्छी अच्छी जानकारी और इतने खूबसूरत पेड़ पौधे देखने को मिलते रहें। तो मिलते हैं फिर बाद में जब मौका मिलेगा, तो क्योंकि मौका ही नहीं मिल रहा है, सूट करने का भी मौका नहीं मिल रहा, वेजिटेबल तोड़ने का भी मौका नहीं मिल रहा, इतनी तेज बारिश कंटिन्यू। आज तो ये थोड़ा सा रुका हुआ है, हल्की सी मुझे धूप भी महसूस हो रही है, जो कि है नहीं बहुत ज़्यादा, लेकिन बस बारिश अगर ना हो तो, अगर धूप नहीं भी होगा तो भी चलेगा, क्योंकि बारिश से पौधे अब बेहाल हो गए हैं हमारे। दोस्तों अभी हमारी परचुलाका जो है खिलने की कोशिश कर रही है, बारिश के कारण ये थोड़े से इनको नुकसान हुआ है, लेकिन अब ये अगर बारिश रुकी तो फिर बहुत अच्छी खिलेगी। तो दोस्तों हमारी वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, हृदय से आभार। आप हमें सराहते हैं, आप हमें देखते हैं, और आप जब कहते हैं कि हम सीख रहे हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि आपको इतने खूबसूरत खूबसूरत पौधे और ढेर सारी वेजिटेबल उगाने का सीखने का मौका मिले। तो दोस्तों हमारी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत आभार। जय हिंद, वंदे मातरम, जय छत्तीसगढ़।